बाकी हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा, तो स्वागत है आपका मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो आप? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, आप देख सकते हो, और हर टाइम खुश होती हूँ क्योंकि आप हमारे साथ हो। तो गाइस, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, मेरे चैनल पे क्या मिलेगा? नया नया नया, तो नया देखना है। तो चलिए मेरे साथ, आज पूरा दिन शेयर करूंगी आपसे हाँ हाँ आपके साथ। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर पे, और मैं अभी फ्रेश हो चुकी हूँ और जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। तो कैसा लगेगा आपको जाके हमें जरूर बताना, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज 12 या 13 दिन बाद अपनी अम्मी के घर पे। काफी दिन बाद, मैंने अभी तक सड़क नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, सड़क मूवी भी नहीं देखी मैंने, आई एम गरीब। तो गाइस अभी जाएंगे मम्मी के घर पे, देखते क्या होता है। और बहुत फोन आ रहा है उधर से कि आ जाओ। और आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, बट ये नहीं कि धूप नहीं है, धूप तो है बट हवा अच्छी आ रही है। तो अभी हम लोग फटाफट, ये मेरे हस्बैंड जो है अभी फटाफट नहा रहे हैं, यानी हमारी मियाँ जी। तो नहाने के बाद जो है फिर हम जाएंगे अपनी मम्मी के घर पे, और फिर वहीं पे आपसे मिलेंगे। क्या बोलते हो? सी माई डिम्पल, क्या आपके डिम्पल पड़ते हैं? क्या आपके डिंपल कभी पड़े हैं? क्या सोच रहे हो डिंपल पड़ने की? तब मत सोचो, ये कुदरती है। रूम में लग रहा है ताला और हम नहीं आने वाला। मैं जा रहा हूँ मैं माँ के घर, बाय, अल्लाह हाफिज। घर में लग रहा है ताला, मैं नहीं आने वाला। चलो वीर तुम बड़े चलो। मास्क पहनना जरूरी नहीं, 2 गज की दूरी मास्क पहनना है जरूरी। चलो जल्दी चलो। तो गाइस देखिए, इधर ज्यादा लोग चल रहे हैं और इधर कम। बाय द स्कॉलाबेरी हम। तो गाइस अभी जो है ये हस्बैंड मेरे जो है बैग पैक साफ कर चुके हैं और मैं बैग चुकी हूँ। मैंने थैला टांग लिया, आप देख सकते हो थैले में क्या है, सब वहाँ बताऊंगी, यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। चलो जल्दी चलते बैठते हैं। गाइस ये लॉकडाउन है, सी ये जनता जब तक नहीं मानेगी तब तक पब्लिक ऐसे ही मरती रहेगी। ये देखिए, ये लॉकडाउन है, जो मैच पहली बार निकली हो मुझे आज दिख रही है। ओ माय गॉड, अपनी अम्मी के घर पहुंच चुकी हूँ बड़े दिन बाद, और आप मेरी खुशी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। पीछे हस्बैंड जी आ रहे हैं, वो भी निकल जाएंगे अपने वहाँ पे काम से। तो अभी देखते हैं गेट खोल करके। अम्मी अम्मी, तो हमें किसी की आवाज आई, देखते कौन है। आग बंद कर। दो गज की दूरी, सैनिटाइजर है जरूरी, मास्क भी है जरूरी। मैं पहले घर जाऊंगा, मैं सबसे मुलाकात। मम्मी कहाँ है? मम्मी आ गई, आ रही है। मम्मी आ रही, मैं नहीं खेल रही, मैं तो मम्मी के चक्कर में है वो करी। तो गाइस बहुत दिन बाद माँ के घर में आके मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? एक घूंट है पानी, ठंडा जरूरी नहीं, ठंडा इज वेरी बैड फॉर यार। ये रूम तो बहुत ठंडा है, ठंड लग रही है, सो क्यों कह रही हो तू? सैंड लग रहा हूँ, घरेलू बन गई है, हम लहसुन छिल रही है। ये लहसुन वो है जो मेरे ससुराल में खुद है ना, बोया गया था ये लहसुन, मतलब तुम्हारे खेत का। हाँ ये खेत बोया समथिंग, वही खेत का है। हमारे अब्बू जी ने खुद से अपने खेत में जो भी लहसुन वो किया था और दे के भेजा था, तो वो ही लहसुन है। ये लहसुन बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छा, कैसे बताऊं, आपको खा के दिखाऊंगी। हमारे हस्बैंड जी जा रहे हैं, रुको जाके आ रहे हैं, जल्दी जाके आओ। अस्सलाम वालेकुम,
खैरियत से जाना, खैरियत से आना, ज्यादा मत करना। तो हमारे मियाँ जी चले गए हैं, जल्दी जाके जल्दी आएंगे। और अम्मी पता नहीं कहाँ गई है हमारी। अच्छा मैं बुआ से मिल गया हूँ। घर आई एक नन्ही परी, मम्मी कैसा लग रहा है मेरे घर आके? मेरे घर आके कैसा लग रहा है? सही बात है, मेरे घर में। व्हाट योर फीलिंग प्लीज टेल मी, बताओ। फीलिंग वेरी एनर्जेटिक बिकॉज़ बहुत टाइम के बाद ये गई है मार्केट और ये थोड़ी वेजिटेबल लेके आई। वेजिटेबल पहले ये बताओ कैसा लग रहा है हमारे घर आके? गाइस मैं जा रही हूँ अपने बुआ के घर पे, यानी मम्मी के घर पे ही है बुआ, तो वहाँ पता करते हैं। अंधेरा हो रहा है, धीरे धीरे जाएंगे, चुपचाप जाएंगे। मैंने मिर्ची वाला खाना खाया, मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। बुआ के चक्कर में नीचे आई तो बुआ के घर हमारा बाबू के चिकन, ये बुआ का घर हमारा वासी का। सो रहा क्यों सो रहा है? रात पर जाना था, गार्ड की नौकरी दे रहे इसको। तो बुआ के घर में बिल्कुल काम वाम हो गया है। हाँ बुआ छत पे, तो अभी हम छत पे जाएंगे। अपनी छत पे आ गए, माशाल्लाह चेहरा कितना क्लीन है। हाँ छत पे जा रही हूँ, तो ये छत है हमारा। बुआ बुआ यहाँ पे भी नहीं है। तो गाइस ये देखिए, ये मेरा घर, ये मेरे घर के बागीचे। ये पता नहीं किस चीज का पेड़ है, ये है मनी प्लांट का पेड़ है, ये एलोवेरा का है, और ये पथरी का कौन सा पेड़ होता है मुझे नहीं पता, ये पथरी वथरी के पेड़ के लिए। और ये सब किसके पेड़ है अल्लाह रसूल जाने, ये सब पता नहीं किसके हैं, ये सब किसके हैं। देखो मेरी मम्मी खाना बना के आई है, और मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए पसीना इनका, आपको इससे पता चलेगा। ये देखिए ये सूखा हुआ है और ये पूरा, तो आप देख सकते हो हम किस कंडीशन में है इस टाइम पे। अपने हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि इनके लिए किचन में थोड़ा सा फ़ैन वगैरह, किचन भी हमारा किचन नहीं है, रूम में ही किचन बना रहा है, क्योंकि पैसों के कारण पानी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को आज देख के बड़ा अफसोस आ रहा है। ये देखिए आप पूरा, ये देखिए ये पूरा नीचे का हिस्सा सूखा सूखा, और ये देखिए पूरा गीला। फ्रंट पे भी ऐसी है, फ्रंट का नहीं दिखा सकते क्योंकि अच्छा नहीं है, बट बैक साइड आप देख सको कितना गीला है। आपने देखा मेरी मम्मी का सूट बहुत ज़्यादा गीला हो रखा, क्योंकि हमारा जो है ना घर, मैंने आपको जैसे बताया मम्मी वाला घर अभी टूट रखा है, बहुत साल हो गए अभी बन नहीं पाया, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले थे। सिस्टर का काम नहीं चल रहा है, वो भी घर पे ही है अभी, क्योंकि मुंबई में भी आपको पता क्या है क्या नहीं है। और वो इंडस्ट्री से थी, फिर उसने इंडस्ट्री को बिल्कुल बाय बाय कह दिया, तो पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमारे घर में। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कहेंगे कि खाने पीने की कमी, बट हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो अभी मम्मी को देख के बड़ा अफसोस आया, बेचारी ऊपर आई और आकर कहीं पंखा चलाई और बैठी हो तो एकदम पूरी हालत से एकदम ख़राब है। मैं सोचती हूँ मैं कितनी परेशान हूँ, मैं तो बेड पे पानी डाल के ये डाल के, तब जबकि हम और हमारे मियाँ हैं और एक किचन है, ज़्यादा गर्मी का भी एक बार बना लिया ख़त्म कर लिया। अब पता चल रहा है कि अम्मी को कितनी दिक्कत हो रही है बेचारी को, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे हमारा जो किचन पहले का जो था, जब हमारा ये रूम हमने मतलब घर जो पहले लिया था वो अलग था, तो सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे। फिर थोड़ा सा हमारा घर जो धंसने लग गया था नीचे, क्योंकि आपको पता है रोड हमारे यहाँ की बनती है फिर टूटती है फिर बनती है फिर टूटती है, तो क्या होता है कि ज़मीनें जो ऊंची होती है वो धीरे धीरे करके नीचे हो जाती है, तो जिसके कारण हमें तोड़ना पड़ा घर। तो जो किचन था वॉशरूम था वो भी टूटा हमारा, तो वॉशरूम भी हमारा बहुत दिक्कत वाला। अभी कहते हैं ना कि बहुत, फिर भी अभी बुआ बेचारी कैसे एडजस्ट, क्योंकि उनका भी नीचे घर है तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह बस जैसे तुम रखवाओगे हम रखे हैं, ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ज़रूर अपने घर में कामयाब होंगे, अपनी दुनिया में कामयाब होंगे, अपनी मंजिल में कामयाब होंगे, हर चीज़ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह तू रखने वाला है, अल्लाह तू नवाजने वाला, अल्लाह सबसे बड़ा ज़रूर करेगा।
मैं तो हर इंसान को कहती हूँ, देखो मालिक सबका एक ही है, अल्लाह जैसा करेगा, बस मैं तो यही कहूँगी कि भैया आप लोग भी मेरे लिए पे करो, मेरा पार लगाए, बस मैं तो ये कहूँगी सारी दुख दूर हो जाए हमारी और खुशियाँ आए। बस मेरे को आज अफसोस हुआ अपनी मम्मी को देख के गाइस, पर ठीक है कोई नहीं, जैसे रखाएंगे हम रखेंगे। और गाइस क्या बोलते हैं गाइस, तो मम्मी के घर में आके कैसा फील हो रहा, मम्मी के घर में आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा, बहुत दिन बाद आई हूँ मैं, करीबन कितने दिन बाद आई हूँ मम्मी, 12 दिन हो गया ना, 12 दिन 13 दिन। छोचो कैसे रहे हम, बेड रेस्ट था, यही लेकर के आए अपने, उससे लेकर के आए, बड़े हिफाजत से लेकर के आए, बाइक से भी बहुत धीरे बाइक चलाई, तभी मैंने एक वीडियो शूट किया और मैंने आपको दिखाया। पब्लिक सुधरने वाली नहीं है गाइस, कितना भी समझा लो, इतना महामारी हो रहा है, अल्लाह मेरी तौबा, इतनी जाने जा रही है, लॉकडाउन है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान निकले अपने ज़रूरत के हिसाब से निकले, कोई विदाउट मास्क है कोई मास्क है, यार अभी अभी आपको मालूम नहीं, अभी खेल मत समझो, ये पहले वाला कोरोना नहीं है। जैसे कोरोना फैला था सरकार ने हमारा लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके कारण हम सेफ एंड साइड थे, फिर भी बहुत से जाने गई पहले कोरोना में, बट इस टाइम पे ना लॉकडाउन लगा है उसका तो आप लोग खेल मत समझो कि आप लोग मार्केट में निकल रहे हो और ठीठी ठाठा कर रहे हो, वहाँ पे खड़े होके गप्पे मार रहे हो। इवन मैं लड़कों को भी कहती हूँ, आप लोग पंचायत बाहर बिठा रहे हो तो ये पंचायत मत बिठाइए, आपके पास फ़ोन है आप कॉल लगाइए, फ़ोन पे बात कीजिए, आप लोगों को बाहर रहने की ज़रूरत है। आप लोग अगर इस तरीके से रहोगे तो हम लोग जो लोग बेचारे परेशान, ऐसे लोग परेशान हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है पता है, कुछ लोगों की लापरवाही से कितने लोगों की जान जा रही है। तो गाइस इस चीज़ को लापरवाही मत लो, आंखों देखी बात है गाइस, बहुत अपने जा रहे हैं, जिनके अपने जा रहे हैं उनसे पूछो कितनी तकलीफ और कितनी दुख उनको झेलना पड़ रहा है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, अल्लाह पाक सबको सही सलामत रखे। तो गाइस इतनी लापरवाही मत करो, आप वीडियो देखना, मैं आप देखोगे कि मैंने इससे पहले मैंने आपको शायद शेयर कर दिया होगा, आप देखना गाइस मेरी रूह कांप गई थी कि लॉकडाउन है और पब्लिक ऐसे घूम रही है जैसे लग रहा है कि आज हॉलीडे है। यार हॉलीडे आपका कहते हैं ना, जाने तो जाने, हॉलीडे मन जाएगा यार, खूब मनाओ। मैंने कभी भी आपको या सरकार ने आपको पाबंदी नहीं लगाई कि आप खुश मत रहो, आप बहुत खुश कर रह सकते हो घर के अंदर, बाहर जाने की जरूरत नहीं, काम हो तो निकलो ना, इतने लोग क्यों निकल रहे काम पे, मतलब मुझे गुस्सा इस बात पर आ रहा है क्योंकि आप लोगों की वजह से और परिवार कितने तकलीफ में है आप लोगों को नहीं मालूम। यार आप लोग कहोगे आतिफा खुशी खुशी होकर गुस्सा दिखाए, तो आज वाकई में बहुत ज़्यादा आप लोगों से तकलीफ़ हो रही है, जो भी लोग मेरी वीडियो, मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग मेरे इधर ही एरिया के ही है जो मेरी वीडियो देखते, तो प्लीज़ अपने घर पर रहिए, सेफ एंड साइड रहिए, क्योंकि आप लोग अपना ही सेफ रहोगे तो दूसरा परिवार सेफ रहेगा, और दूसरे परिवार का ज़्यादा फिक्र करो गाइस, क्योंकि बहुत से अपने जा रहे हैं जो जो आप समझ सकते हो उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है, तो बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरी माँ के हाथ का स्पेशल दम बिरयानी, चिकन बिरयानी yes. चिकन बिरयानी उसको दम में रखते, वर्ल्ड फेमस है बाबा, वर्ल्ड फेमस। इसको खाने के लिए मुंबई से मेरी बहन के दोस्त वगैरह आते थे और अब तो चलो लॉकडाउन में चल रहा है, तो आप सोच नहीं सकते कि ये कितना डिलीशियस, यानी तड़के किस किस को ये बिरयानी चाहिए, रेसिपी चाहिए, बिरयानी नहीं, आपको सच में मैं कसम से कह रही हूँ, एक बार आप लोग कमेंट ढेर सारा कर दो इसकी पूरी रेसिपी, अगर एक बार बना लिया अपने घर पे जिंदगी भर सारे लोग ये कहेंगे भैया दम बिरयानी बना दे, ए दम बिरयानी बना देना, ए दम बिरयानी में मेरी माँ का जगत फेमस है जगत। और ये बनाई है और साथ में बनाया टमाटर सूखी मिर्च और लहसुन की चटनी, जो आपको मैं क्या बताऊं गाइस, मैं क्या बताऊं, पहले खा लो पहले चटनी और बिरयानी मिक्स करके, और ये बाइट मैंने लिया, क्या बताएं आप, बहुत ही टेस्टी है, पहले ले लीजिए खाने का आनंद। मेरी माँ के हाथ, ये मिर्ची के हाथ का मतलब मिर्ची के हाथ का नहीं। तो गाइस मैं हूँ आप तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, गाइस मेरी माँ ने खुद से ये मिर्ची का अचार बनाया, ओह माय गॉड, वो भी ऑन द स्पॉट बनाया ना, A1। मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर से, तो मिलते हैं मम्मी जल्दी आएंगे, जल्दी इंशाल्लाह। अब दोबारा फोन नहीं देंगे, अब दोबारा फोन भी हम अपने पास होंगे। देखो अभी 10 बंदे जा रहे हैं, गली का ये हाल है, बज गई, चलो चलो निकलते हैं, बस यहाँ उतरने में थोड़ी तकलीफ होगी गाइस, ऐसे उतरना पड़ता है हम लोगों को, आराम से बर्फ मत फोड़ना। नहीं तो मम्मी की तरफ से हम लेकर आए बर्फ, क्योंकि आपको पता कितनी गर्मी है, निकल रहे हैं।
चलो आराम से फोन लो। चलो आप दिखा देते हैं हमारे घर के लोगों को बाकी। चलो मम्मी अम्मी अल्लाह हाफिज। चलो चलो, तो ये देखिए हमारे घर कैसा हो रहा है, ये हमारी गली। तो गाइस जैसे कि मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और अभी आकर के रेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा टहले वहले छत पे गए करके थोड़ा सा मज़ा आया। तो फिर छत पे जाने के बाद जो है फिर नीचे आए, बहुत अच्छी हवा आ रही थी। नीचे आने के बाद अब हम नीचे आए हैं, मियाँ जी गए हैं वॉशरूम, वहाँ से आएंगे फिर हम लोग सो जाएंगे। तो गाइस अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, मेरे चैनल को करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट। कमेंट तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस, जैसे मैंने हमेशा कहा है। और मैं ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह पाक बस आप लोगों को सही सलामत रखे, आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, फैमिली के साथ रहो, ज़्यादा बाहर बाहर मत निकलो गाइस, बस इतना ही कहूँगी। बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, उस परेशानी से लड़ो, डरना नहीं है, बस लड़ना है हमें। और बस मुझे प्यार देते रहिए, मुझसे प्यार लेते रहिए, मैं हूँ आपकी प्यारी आतिफा और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए गाइस, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरी दुआ कीजिए, बस सारा सिचुएशन ठीक हो जाए गाइस। मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ और मैं उनके लिए भी आप लोग दुआ करिए जो बेचारे हैं मुझसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है, जो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में रहते हैं। अल्लाह पाक बस सब पे अपनी रहमत बना रखे। मेरा बस दिल कहते हैं ना, दिल बड़ा है पैसा नहीं है, होता ना तो बहुत से लोगों की मदद करना गाइस, अगर आप लोगों के पास है तो मदद बहुत ज़रूरी है। हम लोगों से देखो जितना लोग से बनता है, हम लोग जितनी भी कोशिश कर सकते हैं और जितनी भी हमारी हैसियत है हम उसके मुताबिक लोगों की मदद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं चाहिए ये सब बातें मदद करने के बाद, फिर भी मैं कहती हूँ गाइस आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग बिल्कुल गवारा मत करिएगा इस चीज़ को, हर किसी की मदद करना, क्योंकि गाइस यही एक चीज़ है जो आपके साथ लाइफ टाइम रहती है। किसकी कब दुआ लग जाती है मालूम नहीं चलता, बस एक दुआ के लिए भागो और यही आपको मुकाम हासिल करवाएगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना ख्याल रखिए गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ अपना ख्याल रखोगे क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ, और आप लोग बस सेहतमंद रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। बस गाइस लव यू गाइस, ख्याल रखिए अपना।